लगता है तो उड़ा दे साले को। कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं। हम दोनों के होते यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा। सब लोग बाहर चलो, कमान 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 कमान, जल्दी चलो। आराम से लाइन बना के आप लेके जाइए इन्हें, प्लीज प्लीज टेक केयर। कमान कमान आराम से, तुम भी आओ, सब 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 कमान, मूव इट मूव इट। चलो उठो 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 कुछ। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, ओके? या आराम। अरे गाइस हिलना मत, एक मिनट हिलना मत, हिलना मत, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं आऊं, मैं आऊं। अरे का वक्त नहीं है हमारे पास, तुम वो पीछे वाला इमरजेंसी डोर से बच्चों को निकालो, पहले उन दोनों को। कम ऑन, एक मिनट, आराम से, आराम से, हिलना मत, हिलना मत, एक मिनट, एक मिनट, आराम से प्लीज। जाओ 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 जल्दी, कम ऑन। अरे कम ऑन, कुछ नहीं, हम हैं, हम हैं आपके। आराम से, अरे यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, जस्ट स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर। अरे का तुम भी वहां से चली जाओ, जस्ट गो फास्ट, जाओ अरे का, जाओ। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। पागल हो गई हो क्या रेखा? किसी भी वक्त ये बस खाई में गिर सकती है रेखा, जस्ट गो। ये खाई में गिरे या बाढ़ में जाए, शिवाय मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। बस हो गया, ओके, दीजिए मुझे, आइए। ओके रेखा, हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे बच्चों को हर मुसीबत से बचा, मेरे घर के चिराग पे कोई आंच ना आए भगवान। यहाँ से हिला तो हम दोनों मर जाएंगे, जस्ट अंडरस्टैंड। मुझे आपके साथ मरना मंजूर है, लेकिन आपके बिना जीना मंजूर नहीं।
जीने मरने की कस्में हमने ऐसे हापा में नहीं खाई थी ना दिखाने के लिए। यहाँ पर हम में से एक ही बाहर जा सकता है अनिका। अगर एक बाहर जा सकता है ना तो आप जाइए, मैं कहीं नहीं जा रही। पागल मत बनो अनिका, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। आप पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हैं, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ फिर। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? अपनी जान से भी ज्यादा। तो मेरी बात मानोगी? बात मानोगी? नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही बस। अनिका कब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे? अनिका मेरी बात मानो। तुम अनिका तुम जाओ, तुम कूदो और तुम जैसे यहाँ से जाओगी मैं तुम्हारे पीछे कूदूंगा। अनिका जस्ट गो। इसमें खतरा है, मैं नहीं जा रही। खतरे से तो बाहर हम अभी भी नहीं है ना अनिका। अनिका तुमने मेरा हमेशा साथ दी, हमेशा मेरी बात मानी है। मानी है या नहीं? मानी है अनिका, इस बार मेरा साथ दो अनिका, मेरी मेरी बात मानो। I'll be okay, okay? Trust me, Anika. I'll be okay. पक्का? पक्का। तू लाइए अपनी उंगली, कीजिए पिंकी प्रॉमिस, कीजिए ना। फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हो मिलो दूर वो। जज्बा है अनजाना, मुश्किल है समझाना, अपना है या है गैर वो। इश्क में अधूरा सा, रूह में है पूरा सा, दर्द है ये सारी उम्र का। हो जाना, हो जाना, खोया खोया रहता है दिल, तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। हो जाना, हो बारे में सोचा न बाप का ख्याल किया। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। शक्ति जी,
हमारा शिवाय महलों में पला बड़ा कैसे गुजारा करेगा? शिवाय सिंह ओबरॉय है, वो हमारी औलाद है। इतना कमजोर नहीं है पिंकी के, हालात के आके घुटने टेक दो। ठीक कह रहे, हमारा बेटा इतना कमजोर नहीं, और मैं भी इतनी बेशरम नहीं हूँ कि अपने बच्चे के निकाले जाने के बाद इसी घर में पड़ी रहूं। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, हम ये घर छोड़कर जाएंगे। क्या बोले जा रही है? पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोली जा रही तुम पिंकी? अभी देखा ना, शिवाय के जाने के बाद क्या हाल हुआ है माँ का। अभी ऐसे माहौल हम माँ से कहेंगे कि हम दोनों भी घर छोड़कर जा रहे हैं, टूट जाएगी माँ। और अगर कुछ भी हो गया माँ को तो क्या जवाब देंगे शिवाय को? सोचा कभी? मेरी बात ध्यान से सुनो पिंकी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हमें अपने बेटे को घर वापस लाना, और उसके लिए हम दोनों का इस घर में रहना जरूरी है। सही कह रहे हैं, हमें शिवाय को इस घर में वापस लाना है, मम्मी जी के लिए और चेट जी को ठीक करने के लिए हमारा इस घर में रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं पिंकी, मतलब क्या तुम्हारा? कुछ नहीं होगा ओके, मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा ओके, मैं हूं ना, मैं शिवाय है ना, मैं सब 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 ठीक कर दूंगा ओके, कुछ कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये उम्र कौन है? उम्र ना मैं, मेरे भाई भाई है, मेरी जिंदगी है, वो तो मेरी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है। आप उन्हें मिस कर रहे हो? हाँ। चलो 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 बच्चों, पेरेंट्स आर वेटिंग। थैंक यू सर। शिवाय सब ठीक है, सब ठीक, सब ठीक है। सब ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक है। सब ठीक कर रही हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ सब ठीक है।
तेज तुम ज्यादा मत सोचो, आराम करो। इस वक्त तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। शिवाय चला गया है, मैं ठीक हो ही जाऊंगा। मुझे फिक्र हो रही है तू ओंकारा की, वो भी रुद्र की तरह अगर अपना आपा खो बैठा ना तो। ये शिवाय ने मेरे खिलाफ उसके मन में इतना जहर भरा हुआ है ना कि आई एम श्योर कि यहां पर भी वो मुझे ही गलत ठहराएगा और शिवाय की साइड लेगा। आई नेवर वांटेड दिस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तीनों भाइयों को अलग होना पड़ेगा। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है। शिवाय ने जो किया सो किया, बस हमें अपने बेटों को संभालना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि उस शिवाय की वजह से रुद्र और ओंकाराम से दूर चले जाए। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके अपने बच्चों को संभालने की बात कर रहे हो तुम दोनों। मेरी बेटी के साथ जो किया ना, वो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी और न ही तुम दोनों को कभी माफ करूंगी। इस माँ को उसकी औलाद से दूर कर कर जो तुमने इसका दिल दुखाया है ना, उसकी बद्दुआ तुम दोनों को जरूर लगेगी। माता रानी तो जब इंसाफ करेंगी तो करेंगी, उससे पहले मैं तुम दोनों की ओमाय माता करके रहूंगी। थैंक यू। आज आप दोनों ने जो किया मैं उसकी दाद देता हूँ। बच्चे, टीचर्स, उनके माँ बाप आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सही मायने में आप उन बच्चों के सुपर हीरो हैं। गोवा का मेयर होने के नाते मैं आपसे मिलकर आपको धन्यवाद कहना चाहता था। थैंक यू सर। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप वही शिवाय सिंह ओबरा है ना, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट? जी। आप गोवा हॉलीडे के लिए आए होंगे, राइट? नहीं, एक्चुअली वो मैं एक नया बिजनेस सेटअप करने आया हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। अगर मैं किसी भी तरह आपके काम आ सकूँ तो प्लीज लेट मी नो। बाय द वे, आप रह कर रहे हैं? इफ यू वांट, मैं आपके रहने के लिए अपने वीआईपी गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर, पर गोवा में हमारा खुद का घर है। इनफैक्ट उसे रेंट पे दिया था, बट आई हैव स्पोकन टू द टेनेंट्स वेकेट करने के लिए, सो वी विल बी फाइन। आई वेलकम यू इन गोवा। होप आपको गोवा में अच्छा लगेगा। जस्ट कीप इन माइंड दिस इज नॉट मुंबई। यहाँ लाइफ काफी स्लो है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। सर आप ये नहीं जानते कि जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ लोग क्या वक्त भी इनके हिसाब से चलते हैं। Well, let's see. काफी टाइम हो गया, आई थिंक हमें चलना चाहिए। It was a pleasure meeting you, sir. Sure. Thank you. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।